नमस्कार, डीजीएनएल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कहते हैं कि इस रात की सुबह कब होगी, मगर महाराष्ट्र में जो बीती रात थी उसकी सुबह जब हुई तो बहुत ही झकझोर देने वाली सुबह थी, बहुत ही चौंकाने वाली सुबह थी। रात भर में जो राजनीतिक घटनाक्रम चला महाराष्ट्र में, राजभवन में और केंद्र के राष्ट्रपति भवन में, उसके बाद सुबह सुबह जिस तरह से शिवसेना को दरकिनार करते हुए, कांग्रेस को दरकिनार करते हुए और एनसीपी में दो फाड़ करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक मारते हुए देवेंद्र फडणवीस को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बना दिया है। इस बार फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनकी डोली को कंधा लगाने के लिए तैयार थे अजीत दादा पवार, जो शरद पवार के भतीजे होते हैं और एनसीपी के नंबर टू के लीडर हैं। अजीत पवार अपनी टीम के साथ, 11 विधायकों के साथ राजभवन जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है और राजभवन ने, राज्यपाल कोश्यारी जी ने 30 तारीख मुकर्रर की है कि देवेंद्र अपनी सरकार का बहुमत साबित करें, और ये बहुत मुश्किल है अभी भी देवेंद्र फडणवीस के लिए और अजीत दादा पवार के लिए, क्योंकि सामने शरद पवार हैं जो बार बार कह रहे हैं कि उनके सारे विधायक उनके साथ हैं और 30 तारीख को वो बहुमत साबित कर देंगे। क्या ये सब हो पाएगा और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या शरद पवार इतनी आसानी से अपने परिवार को टूट जान देंगे, अपनी पार्टी को टूट जान देंगे? और यदि सब कुछ ये हो रहा है तो क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं शरद पवार का मास्टरमाइंड है? क्योंकि याद रखिए, शरद पवार नरेंद्र मोदी की थोड़े दिन पहले, दो दिन पहले लगभग 45 मिनट की चर्चा हुई है और उसके बाद इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, बहुत सारे संदेह पैदा होते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ एक बहुत अच्छी पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं जय श्री पिंगले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश और मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीक नज़र से देखती रही हैं। राजा शर्मा हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर वो लगातार सूचनाएं देते रहे जो लगभग आज पूरी तरह से सही साबित हुई हैं। कमल कस्तूरी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का इस शो में बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं जयश्री पिंगले आपसे करना चाहूँगा कि जैसा दिख रहा है क्या वास्तव में वैसा ही है? क्या शरद पवार को इतनी आसानी से, शरद पवार की पार्टी टूट सकती है, शरद पवार का घर टूट सकता है और शरद पवार को मालूम तक ना पड़े, वे सोते रहे और उनका भतीजा उप मुख्यमंत्री बन जाए, क्या ये संभव है? बहुत सारे संदेह हैं इसके पीछे। बहुत ऐसा, जैसे कि शरद पवार की जो हमेशा की तरह राजनीति है उसको लेकर हमेशा संदेह रहा है सभी दलों में, खासतौर पर कांग्रेस के साथ। जैसे उन्होंने गुजरात में मदद की कांग्रेस की कई सीट्स पर, अभी भी उनका अलायंस था साइलेंटली विद द शिवसेना, क्योंकि जब वहाँ पर महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी सीट्स थी जो उन्होंने शिवसेना के लिए छोड़ दी थी। लेकिन इस बार अभी जो हालात है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच कोई पैक्ट होगा या शरद पवार मास्टरमाइंड है इस पूरे घटनाक्रम के। यह स्थिति अभी नहीं लग रही है क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल वजूद है और वो धोखा नहीं दे सकते। वो अपना राजनीतिक दाव खेल सकते हैं, चतुराई से चीजों को कार्ड प्ले कर सकते हैं, लेकिन धोखा देना ये बहुत बड़ा इंटेंट है। संजय राउत शिवसेना के बहुत ही आउटस्पोकन प्रवक्ता हैं जी। वो उन्होंने एक बार कहा भी था 3-4 दिन पहले कि शरद पवार के बयान को समझने के लिए एक जन्म काफी नहीं जी, है जी। तो मुझे लगता है कि अब उनकी बात बहुत सही साबित हो रही है, शरद पवार के बयान को समझने के लिए एक जन्म काफी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे, नहीं, हमें ऐसा भी देखना चाहिए कि शरद पवार, अजीत पवार के लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो गया। आप देखिए ना, राजनीतिक तौर पे अजीत पवार तो यूं भी उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे, अगर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस बनता तो अजीत पवार यूं भी उप मुख्यमंत्री बनते। की राजनीति में एनसीपी का बहुत बड़ा वजूद है, कांग्रेस को शिवसेना से ज्यादा थ्रेटनिंग एनसीपी से है। वो एनसीपी में जो मराठा कैडर है पूरा, उसको अपने साथ चाहती थी बीजेपी। तो अजीत पवार से बेहतर कौन हो सकता है साबित? अजीत पवार ने जो एनसीपी के को डिच किया या एनसीपी के साथ जो विश्वासघात किया या जिस तरह से उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, तो एक नई लीडरशिप खड़ी हो गई ना वहाँ पर। और शरद पवार अब अपने अंतिम दौर में है राजनीति के, और उसके बाद सिर्फ सुप्रिया सुले हैं। तो पारिवारिक तौर पे भी वो बहुत दूरियां हैं उनकी लंबे समय से। पिछले चुनाव में भी हम देख चुके हैं कि अजीत पवार के साथ बहुत अनरेस्ट था, उनको असंतोष था।
तो ये अजीत पवार ने भी अपनी अपॉर्चुनिटी। राजेश शर्मा जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि क्या ये जिस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर में विभाजन होता है, जिस तरह से पॉलिटिकल घरानों में विभाजन होता है कि एक भाई केंद्र की राजनीति करते थे विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश की राजनीति करते थे बहुत साल पहले 1980 की बात अगर हम करें तो, ऐसा बहुत सारा विभाजन सिंधिया परिवार में भी हुआ कि प्रदेश की राजनीति जो है सिंधिया जी करते थे और उनकी बहन मध्य प्रदेश की राजनीति करती थी। क्या इस तरह का विभाजन पवार परिवार में नहीं हो सकता कि सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति करें अजीत पवार? ये भी एक गणित हो सकता है क्योंकि शरद पवार को बहुत सारी चिंताएं इन दिनों हैं, उन्हें अजीत पवार को भी सेट करना है, उनको सुप्रिया पवार को भी सेट करना है, सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को भी बचाना है दूसरा चिदम्बरम बनने से। देखिए, आपने जो आखिरी बात कही है ना, यही मुद्दे की बात है। दरअसल महाराष्ट्र में जिस दिन से मैंडेट 105 का भारतीय जनता पार्टी को मिला था, फिर शिवसेना ने जिस तरीके से बार्गेनिंग शुरू करी, रोटेशन बेसिस पे चीफ मिनिस्टर रखने की बात करी और तमाम प्रकार के इफ्स एंड बट्स उतार चढ़ाव हमने देखे। शरद पवार की जब एंट्री हुई थी तो आप देखिए, गौर कीजिए, शरद पवार की एंट्री मीडिया में भले ही हुई हो लेकिन जब जब शरद पवार से चर्चा हुई तो शरद पवार ने ये कहा, नहीं नहीं अभी तो हमारी कोई चर्चा किसी से हुई नहीं है, हम तो किसानों की बात करने आए हैं, किसानों की बात करने। शरद पवार को दरअसल समझना मतलब एक नार्को टेस्ट करना जैसा होता है, उनकी ब्रेन मैपिंग करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जितने भी ये पॉलिटिशियन है ना, उससे ज़्यादा उनका अनुभव है आज की रेट के अंदर और वो सेंट्रल की और स्टेट की पॉलिटिक्स दोनों बहुत ही वजनदारी से कर चुके हैं। एक बात, लेकिन आपने जो कहा ना अभी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि दरअसल जो एजेंसियों की जाँच चल रही है वो दो लोगों पर चल रही है और वो रिकॉर्ड पर है, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल पर, ठीक है। और इन्हीं दोनों को सबसे ज़्यादा डर था कि सपोज कीजिए एनसीपी यदि सपोर्ट कर देती है शिवसेना को और कांग्रेस के साथ अलायंस में गवर्नमेंट बना लेती है तो फिर हो सकता हमारी परेशानी बढ़ जाए। ये परेशानी न बढ़े इस कारण ये एक सेफ जोन में जाने का तरीका है, इसको मैं बहुत क्लियर शब्दों में उल्लेख कर रहा हूँ। एक बात, पी चिदम्बरम पिछले 92-93 दिनों से जेल में है ही, आप और मैं देख ही रहे हैं, उनके लगातार हियरिंग पे बेल कैंसिल हो रही है। ईडी की जांच जो चल रही है उसके अंदर बहुत ही क्लियर कट इनके स्टेटमेंट भी हो चुके हैं और ईडी के रडार पे तो शरद पवार भी है, उनके यहाँ भी छापे पड़े। जी सर, तो मैं ही इसी बात पे आ रहा हूँ कि एजेंसियों की जांचें जो चल रही है उससे इनको मन में भय बना हुआ था कि यदि चले जाएंगे तो सरकार हो सकता है कि हमारे और पन्ने उलटना शुरू करे और हमारी परेशानी बढ़े। जैसा आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री तो शिवसेना के साथ भी बन सकते थे, लेकिन शिवसेना के साथ बन जाते तो परेशानी और बढ़ जाती ना सर। यहाँ उप मुख्यमंत्री बनने में कंफर्ट जोन है जो अपन मान के चल रहे हैं कि यहाँ उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अब देखते हैं एजेंसियाँ किस रूप पे जाती है, क्या एजेंसियाँ इनको किसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में पार्ट बनाती है या नहीं बनाती है। मैं आपको बताऊँ, मैं लगातार लिख रहा हूँ और आप शायद पढ़ भी रहे इस बात को कि आज की बात नहीं है, 14 नवंबर को भी मैंने लिखा था कि 35 विधायकों के साथ अजीत पवार एकदम स्प्लिट कर चुके हैं कि 35 विधायक मेरे साथ है, यदि मुझे सपोर्ट देना पड़ा तो मैं भारतीय जनता पार्टी को दे दूंगा। एक मीटिंग के अंदर प्रफुल्ल पटेल अब्सेंट थे, वो भी मैंने रिकॉर्ड पे लिखा है, उस प्रफुल्ल पटेल जो उस मीटिंग में नहीं गए तो शरद पवार ने कहा कि ठीक, अभी कोई दबाव प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात, जब सदन के अंदर 3 दिन पहले शरद पवार नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे पार्लियामेंट के अंदर, उसके 45 मिनट बाद जैसे बाहर निकले फिर अमित शाह पहुंचे, डिस्कशन हुआ, डिस्कशन का आउटकम देखिए, वो कोई किसानों के तो बहाने से गए थे, किसानों के लिए जाते हैं, बहुत स्वाभाविक बात है क्योंकि विदर्भ के किसान तो पिछले 5 साल से मर रहे हैं और सर किसानों के लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा विदर्भ में की है, तो वो ये टाइमिंग का सवाल है। टाइमिंग किसानों के लिए जाते हैं ना, तो शिवसेना कांग्रेस को लेके जाना था इनको, क्योंकि आप तीनों मिलकर सरकार बनाने के उसमें क्लेम करने जाने थे, लेकिन क्या आपको अकेले की चिंता थी किसानों की? नहीं, आपको चिंता आपके सर्वाइवल की थी, सच्चाई ये है आपका सर्वाइवल। इसका मतलब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने और खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने शरद पवार को ब्लैकमेल कर लिया। ब्लैकमेल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इमोशनली उनको समझ में आने लगी बात कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो हमको दुष्परिणाम भुगतना तैयार है, या तो अंदर आओ या अंदर जाओ। ये बिल्कुल कैलकुलेटिव वर्ड तो चलिए। एक सवाल ये भी है कमल कस्तूरी जी, क्या 30 तारीख को ये देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार की जो सरकार है ये बच जाएगी, बहुमत सिद्ध कर देगी? कह रहे हैं कि हमारे पास 173 लोग हैं, 56 जो है वो 54 एनसीपी के हैं और कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है 15, तो इस तरीके से 105 54 15 173
का आंकड़ा है उनके पास? नहीं, सरकार नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जो 11 विधायक इनके साथ गए थे एनसीपी के अजीत दादा के साथ, उसमें से 3 वापस लौट आए हैं, 2 अभी रास्ते में गाड़ी में हैं, 2 वो भी शाम तक, अभी जब एनसीपी की मीटिंग होगी तो उसमें वो 5 भी आपको मिलेंगे, और 6 भी सुबह शाम इनको जो दिल्ली वगैरह भेज के रखा है, जहाँ पर भी इन्होंने चार्टर्ड से भेज के रखा है, वो अलग बात है। बाकी ये स्थायी सरकार नहीं है, ये जैसे आप लोगों ने पहले बताया कि ब्लैकमेलिंग की सरकारें हैं, ईडी के दबाव में है, सीबीआई के दबाव में है, ये इस तरीके से ये टोटल मतलब लोकतंत्र का गला घुट चुका है। महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया था वो मैंडेट कहाँ का दिया था कि भाई बीजेपी और शिवसेना को मैंडेट दिया था आप मिलकर सरकार बनाएंगे। कुछ शरद पवार ने भी कहा था कि हमको तो विपक्ष में बैठने का आदेश है। विपक्ष में तो कई बार बोला है शरद पवार ने। बाकी जैसा कि मेरे वरिष्ठों ने बताया अभी अभी कि शरद पवार की ऐसी सेटिंग हो गई, बातचीत हो गई, मेरे हिसाब से अगर उनको वहां जाना होता तो उनके लिए खुले थे विकल्प सारे शरद पवार जी को जाने के लिए। ऐसा नहीं था कि इधर से बात कर लेंगे और उधर चले जाएंगे, ऐसी उनकी कोई फितरत कभी रही नहीं है। मदद करने की फितरत उनकी रहती है हमेशा से, वो अलग है। बाकी ऐसा नहीं कि बात कांग्रेस से और शिवसेना से करेंगे और चले उधर जाएंगे। उनके तो हमेशा से बाल ठाकरे जी से बहुत मधुर संबंध रहे हैं, शुरू से ही रहे, और अब तो रिश्तेदारी हो गई है। अब रिश्तेदारी हो गई, सुले और उद्धव ठाकरे की आपस में रिश्तेदारी है। अब ये चीजें बिल्कुल मतलब संभव नहीं है। और अजीत दादा की कोई इतनी वैल्यू भी नहीं है। अजीत दादा तो खाली इसलिए चलते हैं कि शरद पवार के भतीजे हैं, इसलिए नहीं तो अजीत दादा में क्या। अजीत दादा तो कई सिंचाई घोटाले ये वो दुनिया भर के हो चुके हैं। अजीत दादा यही सिंचाई घोटाले तो बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यही राजा शर्मा पॉइंट रेस कर रहे थे कि अजीत पवार भी ईडी की राडार पे है, सीबीआई की राडार पर है, इसलिए जरूरी था कि वरना मुख्यमंत्री, तो मैंने कहा कि इस गठबंधन में भी बनने वाले थे वो। तो फिर उन्होंने शरद पवार से उनको धोखा नहीं करना चाहिए था, या जैसा भी आप लोग कह रहे हैं कि पार्टी में स्प्लिट हो गया है, फैमिली में स्प्लिट हो गया है, फैमिली में स्प्लिट हो गया है, तो आज भी सुप्रिया सुले और शरद पवार जी साथ ही रहेंगे, और मेरे हिसाब से ये जाएंगे तो शिवसेना के साथ ही जाएंगे। 30 तारीख को इस सरकार का कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व नजर नहीं आता मुझे। जयश्री जी, 30 तारीख को कमल कस्तूरी जी कह रहे हैं कि बहुमत जुटा पाना बहुत मुश्किल है, क्या ये संभव है कि अगर पार्टी को लगता कि वो बहुमत नहीं जुटा सकती होती तो इतना बड़ा रिस्क लेती? क्योंकि अगर आप बहुमत नहीं जुटेगा तो बहुत बड़ी बदनामी की बात होगी, बहुत बड़ी हंसी की बात होगी। भाजपा बहुत कैलकुलेटिव, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत कैलकुलेटिव गेम खेलने वाले लोग हैं, बहुत फूक फूक कर कदम रखने वाले लोग हैं, और क्या वो इतनी जल्दबाजी करते जिस तरह से रातों रात खेल हुआ है राजभवन में, राष्ट्रपति शासन हटाया गया है, 3:30 बजे साइन हुई है, 5 बजे राष्ट्रपति शासन हट गया है और 7 बजे शपथ हो गई है, तो कहीं ना कहीं बहुमत का जुगाड़ है। नारायण राणे ने तो बहुत दिन पहले कहा था कि हमारे पास 170 हैं, और अब देवेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे पास 173 हैं, तो कहीं ना कहीं। और अभी भी शरद पवार ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत दादा पवार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है, उन्होंने यहाँ तक नहीं बताया कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जी, पूरा घटनाक्रम देखते हैं तो साफ तौर पे लग रहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के हाथ से बाजी तो जा चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा, सही है आप जो कह रहे हैं, इतना बड़ा स्टेप बीजेपी नहीं लेती इस तरह से, अगर उनको यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता तो उन्होंने अपना अंदरूनी नेटवर्क तो जमा लिया है। कुल मिला के बात यह है कि ये तीनों ही पार्टियाँ, एक चीज़ और इस्टेब्लिश हो गई इस पूरे घटनाक्रम के बाद में कि ये तीनों ही पार्टियाँ आज का जो दौर है, आज का जो तरीका है पॉलिटिकल खेलने का, गेम जो है, मौजूदा राजनीति है, वो सिद्धांत और मूल्यों की नहीं है। हालांकि पहले भी नहीं रहे सिद्धांत और मूल्य, हमने भी उनको हास होते हुए देखा है उनका, लेकिन ये पार्टियां जो है बहुत स्लो मोशन में चल रही हैं और ये आउटडेटेड साबित हो गई हैं। आप देखिए कि एनसीपी ने रात 8:30 बजे तक का समय था, लेकिन 11 बजे कह दिया कि हमें और समय दीजिए और राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। आप वहां देखिए एनसीपी से वो गलती हुई, बिल्कुल, इसीलिए शंका खड़ी हो रही है शरद पवार के ऊपर। गलती कांग्रेस की है, कांग्रेस के डिसीजन लेने वाला प्रोग्राम जो है, कॉमन प्रोग्राम जो भी आपको चाहिए, जो आप उसके लिए बैठे हो, 8-8 दिन आपने लगा दिए, 10 बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक, उसमें कारण समझिए आप। देखिए, मैं पिछले दिन दिल्ली था, लगातार इसको कवर कर रहा था। केरला की लॉबी नहीं चाह रही थी, केरला लॉबी इस फेवर में ही नहीं थी कि अलायंस हो, और केरला लॉबी का आज बड़ा दबदबा है कांग्रेस के ऊपर, एक बात ठीक है। देखिए, मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, केरला लॉबी आप कह रहे हैं कि वामपंथ जो है वो नहीं चाहता, ठीक है, बीजेपी बंगाल में वामपंथ के साथ पार्टिसिपेट कर रही है ममता के खिलाफ, उनका अलायंस हो रहा है वहां पर,
बीजेपी ने तो सरकार में सपोर्ट किया कांग्रेस में क्लेरिटी नहीं कुछ कर सकती है बीजेपी सत्ता के लिए बीजेपी वामपंथ को समर्थन दे चुकी है बीजेपी पीडीपी को समर्थन दे चुकी है उसको कोई दिक्कत नहीं बीजेपी को सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे ये कहना है कि कांग्रेस अगर हेजिटेशन में थी कांग्रेस अगर विचार नहीं कर पा रही थी या डिसीजन नहीं ले पा रही थी तो ये उसकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है आपको मैं लाइव सुनाता ना सर उस घटनाक्रम जो कल शाम को जो मीटिंग हो रही थी उसका लाइव सुनाता हूँ शिवसेना के एक लीडर ने कहा कि आज ही राज्यपाल को लेटर दे दीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडे 22 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं ना आज ही राज्यपाल को लेटर दे दीजिए कल राज्यपाल दिल्ली जाने वाले हैं गवर्नरों के सम्मेलन में उसके पहले कोई गणित बिगड़ने जाए शिवसेना के नेता ने उस इशू को रेज किया एनसीपी और कांग्रेस के सामने एनसीपी ने धीरे से बात को टाल दिया उसको एक दूसरे अंदाज के अंदर फिर कांग्रेस अब आपको बता दो डिस्प्यूट कहाँ खड़ा हुआ डिस्प्यूट खड़ा हुआ कांग्रेस तो कुछ पोर्टफोलियो पे एडामेंट हो गई थी कि ये पोर्टफोलियो यदि हमको मिलते हैं तो इस दिशा में और एक मीटिंग के साथ विचार किया जाएगा ये जब लूज रूप मिला उनको बात करने के लिए तो समझ में आ गया कि अब एक काम करते हैं इस बात को कल तक टाल देते हैं इनकी जो प्लानिंग थी उसका हिस्सा बिल्कुल बरकरार था क्योंकि 21 तारीख को फडणवीस के मकान में वर्षा जो मकान है वहां पे अजीत पवार और एक नाम मैं राजनेता का भूल रहा हूँ दोनों जाकर मुंडे है कोई उनका नाम भूल रहा हूँ धनंजय मुंडे जो गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं और पंकजा मुंडे के चचेरे भाई हैं उसके भी खबर है कि मेन सेतु का काम धनंजय मुंडे ही कर रहे थे और कमल कस्तूरी जी एक बात ये है कि ये जो बैठक 7 बजे हुई एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की उस 7 बजे की बैठक के पहले अजीत दादा पवार समर्थन का पत्र राजभवन में राज्यपाल को देकर आ चुके थे और उस बैठक के बाद फिर वो राज्यपाल से मिलने गए और ये बात ना कांग्रेस को मालूम थी ना शरद पवार को मालूम थी कि अजीत पवार उनके विधायकों का समर्थन एनसीपी के नेता होने के नाते एनसीपी विधायक दल के नेता होने के नाते राजभवन में जाकर समर्थन पहले ही दे आए हैं और उसी के बाद राष्ट्रपति शासन हटाने की कार्रवाई शुरू हुई राज्यपाल कोश्यारी जी दी तो कहीं ना कहीं कमल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस कितने अंधेरे में है या कांग्रेस कितनी सुस्त है कि उसने जैसे गोवा में अपने हाथ से सरकार चली गई जैसे हरियाणा में उसके हाथ से सरकार चली गई कर्नाटक चली गई वैसे ही सरकार भी उसके हाथ से चली गई कांग्रेस आलाकमान इसमें कितना जिम्मेदार है कांग्रेस आलाकमान पूरी तरीके से जिम्मेदार है कांग्रेस आज की तारीख में आप ये देखें मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की पार्टी की तरफ कोई ध्यान देने वाला खेर खोआ इनका कोई माई बाप बचा ही नहीं है शत्रप जो है इनके वो शत्रप इनकी पार्टियों को चला रहे हैं अब सोनिया गांधी बताइए आप इस उम्र में आकर के क्या पार्टी चलाएंगी क्या उनको मध्य प्रदेश पता क्या उनको केरल पता क्या हरियाणा पता या इंदौर में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है और वो वहाँ से बैठ करके टिकट डिक्लेयर कर देते हैं कि 2 नंबर में इस फलाने को टिकट दी जाती है ये 4 की जिद में तो ये कांग्रेस का कुछ बचा ही नहीं वजूद ही नहीं बचा कांग्रेस जब जब बीजेपी से जनता त्रस्त होती है तब कांग्रेस अब वापस आ रही है बीजेपी आज भी अपने ब्लॉक लेवल पे अपने गली लेवल पे अपने पन्ना बूथ स्तर पे अपने अपने सब काम कर रही है उनके पूरे साल कार्यक्रम चलते रहते हैं कांग्रेस का कोई एक भी कार्यक्रम चल रहा हो तो आप बताइए कोई पार्टी की तरफ ध्यान देने वाला बचा नहीं है सब राम भरोसे हिंदू होटल इनकी दुकान चल रही है जैसे भी चल रही है बस अब आप ये मान के चले तो ये जो आर्थिक राजधानी पर एक बड़ा कब्जा तीनों मिलकर कर सकते थे देश की आर्थिक राजधानी पे वो कहीं ना कहीं गाड़ी चूक गई इतना अच्छा इनको चांस मिला था कांग्रेस को तो बहस ही नहीं करना चाहिए थी कांग्रेस को बिना शर्त जो मिल रहा है आज महाराष्ट्र की सत्ता पे अगर आपका कब्जा बनता है तो बहुत बड़ी सत्ता पे आपका कब्जा बनता है पूरे उद्योगपतियों से आपका रोज का काम हो जाता है उठना बैठना जो आपका भी कट चुके हैं काफी कुछ आपसे आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में आज टाटा से आप रोज मिलते अंबानी से रोज मिलते अडानी से रोज मिलते कहीं ना कहीं वो अगर बीजेपी से कहीं त्रस्त होते तो अपने आप कांग्रेस को वो रास्ते बताते वो कांग्रेस को मदद करते कि नहीं हम आपके साथ पुराने कंफर्ट रह चुके हैं बहुत काम इन लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों ने करा है कांग्रेस के साथ ऐसा थोड़ी कि नहीं करा कांग्रेस ने 50 साल देश चलाया तो सारे उद्योगपति जितने बड़े हुए उन्हीं के राज में बड़े हुए कोई बीजेपी में थोड़े बड़े हुए बीजेपी को ये भी सुनने में आ रहा था राय शर्मा साहब की एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने 2-3 औद्योगिक घराने जो थे वो इस पूरे 8 दिन से उनका डेरा बंबई में सक्रिय थे वो इस पूरे पॉलिटिकल गेम को जमाने में देखिए कॉरपोरेट लॉबी दरअसल पॉलिटिकल मूवर्स एंड शेकर्स की बैकबोन होती है कॉरपोरेट लॉबी तय करती है कि किसको टिकट मिलना चाहिए किसकी सरकार बनना चाहिए कितने फिगर रहना चाहिए कॉरपोरेट लॉबी का बड़ा दबाव रहता ही है और महाराष्ट्र में तो मतलब आप मान के चलिए पिछले 8-10 दिन से कॉरपोरेट लॉबी बड़ी हावी थी जो कि दिल्ली के इशारों पर कॉरपोरेट लॉबी एनसीपी पर प्रेशर बना रही थी कि आपको आना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए शिवसेना के साथ मत जाइए
उस प्रेशर को आपके सामने मतलब उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जब ये कहा जा रहा था कि आप शिवसेना को छोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाइए तो आपको केंद्र में भी फायदा है और स्टेट में फायदा है, दोनों हाथ में आपको लड्डू मिलेंगे, उसका आपको सुबह देखने को मिल गया। कॉर्पोरेट लॉबी का बड़ा दखल था सर, है और रहेगा भी। लेकिन जो आपने कांग्रेस की बात करी सर, कांग्रेस इस पूरे मसले में उसका खोने को क्या था, चलिए मुझे बताइए। महाराष्ट्र के लोकल लीडर परेशान हो चुके थे बोल बोल के जो जीत के आए थे विधायक, कि या तो हमको अपने साथ ले लीजिए फिर हमको कहीं जाना है तो जाने दीजिए, क्योंकि हमको फिर 5 साल विपक्ष में रह के काम नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र के विधायकों का सार्वजनिक बयान था कुछ कांग्रेसी विधायक का, एक का कि अगली बार अगर हम सरकार में नहीं आए तो अगली बार हम जो 45 बार आए इतने भी नहीं आ पाएंगे, उन्होंने कहा। लेकिन गोल्डन चांस है, मध्य प्रदेश जैसा हाल हो जाता, मध्य प्रदेश में कैसी हालत हो गई थी कांग्रेस की आप खुद देखें। कांग्रेस में सर केवल 105, 106 वो भी आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि बीजेपी से त्रस्त थे इसलिए आ गई। कांग्रेस ने कोई उपलब्धि नहीं थी मध्य प्रदेश में भी, लेकिन बीजेपी से त्रस्त थी इसलिए वैक्यूम जनरेट हुआ। यहाँ पे वापस शरद पवार के ऊपर मुद्दे को लाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश अभी हमारा इशू नहीं है। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य माना जाता है और उन्होंने आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी को शिकस्त दी है। वो शख्स हैं जब इंदिरा गांधी का तूती बोलती थी और इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की सबसे शक्तिशाली राजनेता होती थी, उस वक्त शरद पवार कांग्रेस से विद्रोह करके और इंदिरा गांधी से विद्रोह करके आए, अपनी पार्टी बनाई और बहुत कम उम्र में, संभवतः 36 साल की उम्र में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और लंबे समय तक उन्होंने चलाई। जहाँ तक कॉरपोरेट लॉबी का सवाल है तो शरद पवार के पास पैसे की कमी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री पद के बरसों दावेदार रहे हैं और बहुत बड़ा धनाढ्य वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मुझे अब भी ये बात गले नहीं उतरती कि शरद पवार की सोते रह जाएँ और काम हो जाए, या शरद पवार को मालूम ना पड़े, या शरद पवार जो है वो इतने कमज़ोर खिलाड़ी नहीं हैं कि उनका भतीजा और उनके कुछ विधायक चले जाएं, और क्या उन विधायकों की हिम्मत हो सकती है कि वो शरद पवार से बिना पूछे राजभवन चले जाएं, भले ही वापस आ गए हैं, अगर वापस भी आए हैं तो वो योजना के तहत आए होंगे, क्योंकि शरद पवार को के बाहर जाकर एनसीपी के विधायक सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अजीत दादा पवार के कहने पर वोट नहीं मिलते, वोट शरद पवार के कहने पर मिलते हैं। देखिए मुझे हमेशा लगता है कि राजनीति में बाहर का व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, आपके जो घर के भीतर का व्यक्ति है, जो नज़दीकी व्यक्ति है, जिस पर आप सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, वही आपका आपके साथ विश्वासघात करता है या वही अपनी आपके साथ दाव करता है। तो ये इत्तेफाक ही मानूंगी मैं, क्योंकि जो विधायक वहाँ पर गए और दोबारा जब उनसे बात हुई, कुछ आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे थे, तीन लोग हाँ, तो उन्होंने जब कहा तो उनको ये मैसेज दिया गया था कि एनसीपी का कहना है, एनसीपी का ऑर्डर है कि आपको राजभवन पहुंचना है। वो अजीत दादा अजीत ने उसको मैनिपुलेट किया, अजीत ने उसको अंधेरे में रख के ले गई है उनका कहना। मुझे हमेशा लग रहा है कि अजीत पवार जो है वो उस पर ज्यादा विजिलेंस की जरूरत होनी चाहिए थी इनको, इनकी इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा, क्योंकि अजीत पवार असंतुष्ट हैं, अजीत पवार इग्नोर किए गए हैं लगातार, और सुप्रिया सुले के मैदान में आने के बाद, सुप्रिया सुले और उनके पति की पूरी कमान जब एनसीपी के पास जाने के बाद, वो लगातार परेशानी में हैं और वो असंतुष्ट हैं, ये है। लेकिन शरद पवार जैसे तैसे उनको मैनेज कर रहे थे, मतलब ये उसी तरह का मामला हुआ कि विभीषण के असंतुष्ट होने का लाभ, क्योंकि क्या है बाला साहब के भी बहुत उपकार है उन पे, बाला साहब ठाकरे के भी शरद पवार पर, जब वो सरकार में थे और उसके बाद भी उनके संबंध है, तो मुझे नहीं लगता कि वो शिवसेना को इस तरह से दाव करेंगे कि उनको एनडीए से भी बाहर कर दिया हो सकता है। इसमें ये कहीं ना कहीं ये आप मान के चले कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि घर का ही भेदी लंकट आ गया, बस और कुछ भी नहीं है। शिवसेना को एनडीए से बाहर करवा दिया, शिवसेना को कहीं का नहीं रखा, बल्कि आज रविशंकर प्रसाद ने इशारों में सवाल भी किया कि आखिर शिवसेना को किसने उकसाया, उनका इशारा सुप्रिया सुले की तरफ था, 30 साल का संबंध था, ये उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव चल रहे थे हम लगातार बार बार कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और हम उनका नाम ले रहे थे बकायदा हर जगह पे, उद्धव ठाकरे भी साथ में होते थे, अमित शाह की जो सभा हुई उसमें अमित शाह ने उनके सामने कहा कि देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे, अचानक ये छह महीने ढाई साल के साथ भी एक प्रॉब्लम है। देखिए उनकी सीटें कम हुई है, उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है पॉलिटिकल, अगर वो बीजेपी के साथ बने रहते हैं तो उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनकी जो सीटें हैं, क्योंकि बीजेपी जहाँ भी है वहाँ रीजनल पार्टीज को वो खत्म कर देती है एक तरह से, उसका प्रभाव बहुत बड़ा है, उसका आभामंडल बहुत बड़ा। राजा शर्मा, क्या ये लगता है आपको कि अब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो शरद पवार
सुप्रिया सुले को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल करवा सकते हैं? ये बहुत दूर का सवाल है, बहुत दूर की कोड़ी है, लेकिन ये सवाल है पॉलिटिकल एरिना में कि क्या सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेंगी? देखिए, मैं तो शरद पवार की कंसर्न ही मानता हूँ इस पूरे गेम प्लान में। मैं एक व्यक्ति सोए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता, ये केवल ढोंग है। शरद पवार के जो रिएक्शन समय समय पर है कि मैं तो सोनिया गांधी से मिलने गया था, मैंने कोई चर्चा ही नहीं करी, मैं तो उनसे बात करने गया था, सरकार बनाने की कोई बात ही नहीं हुई। मैं शरद अजीत पवार को एज ऑन टुडे इतना बड़ा बिग शॉट पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ कि शरद पवार की कंसर्न के बगैर, प्रफुल्ल पटेल की कंसर्न के बगैर ये निर्णय इन्होंने लिया हो। शरद पवार की मजबूरी रही है, धर्म संकट रहा है अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल, और धर्म संकट का सीधा सा कारण है एजेंसियों की जांच चल रही है, वो जांच और ज़्यादा शिकंजा टाइट ना हो, इनके सर्वाइवल का इश्यू है। जैसा कि जयश्री जी ने कहा, सर्वाइवल, सर्वाइवल हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन अब आप देखिए, वही नागपुर में हेडक्वार्टर आरएसएस का, क्या वो महाराष्ट्र का वो नागपुर चाहेंगे कि हम अभी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सरकार में रहें? क्योंकि आप जानते हो, जब सरकार बदल जाती है तो प्रोटोकॉल बदल जाते हैं, लाल बत्ती की सलामी बंद हो जाती है। आज यदि मोहन भागवत इंदौर आते हैं तो उनको कारगेट नहीं मिलता है। सर, टारगेट से तात्पर्य जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मिला करता था, तात्पर्य समझिए आप। वो उनकी जो प्रोटोकॉली व्यवस्था है वो अलग है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलता है। तो नागपुर के अंदर नागपुर का बड़ा कंसर्न है इस सरकार में, और नागपुर ने कल ही एक दूत को रवाना किया था, उसमें मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, उसका भी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस सरकार के मामले में। ये लेट नाइट्स की डेवलपमेंट है जो मेरे पास रात को 12:30 बजे के बाद है। लेकिन आप ये मान लीजिए, मैं ये मान के चलता हूँ, शरद पवार की मौन सहमति है इस सरकार में। अब वो चेहरा दिखाने के लिए शिवसेना के साथ बैठ के कुछ भी कह रहे हो, अदरवाइज अजीत पवार अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकते थे। चलिए, तो तय हुआ कि मास्टरमाइंड कौन है ये अभी भी एक रहस्य की बात है, और मास्टर स्ट्रोक, लोग भले ही इसे भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक कहें, लेकिन शरद पवार को इतना कमतर आका जाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने राजनीति के बहुत धुरंधर खिलाड़ी हैं, और कहा भी जाता है कि उनके बारे में कि वो लगातार जो बातें कर रहे हैं, वो लगातार उनकी बातचीत अगर हम देखें तो वो जब से सरकार बनने का मामला हुआ लगातार वो गोलमोल बातें करते रहे जयश्री जी, अगर आप देखें तो। और इन गोलमोल बातों का अंदाज ये लगता है कि सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात उन्होंने कभी नहीं की उन्होंने। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शरद पवार पूरे चुनाव के दौरान, आप देखिए, उनको मीडिया ने ह्यूमिलेट किया, इग्नोर किया, यानी जिस तरह से उन्होंने मीडिया के साथ उनका रिलेशनशिप रहा, क्योंकि जो 35 लोग बीजेपी ने उनके ले लिए उसके बाद में उनकी हालत बहुत ख़राब थी और मीडिया सपोर्ट उनको नहीं मिला, तो इसलिए जब भी वो कैमरे के सामने आते थे तो उन्होंने मतलब इस बार उनके जो सारे पत्ते थे वो बिल्कुल चिपके हुए पत्ते थे विद द चेस्ट, उन्होंने उसको खोला नहीं, बताया नहीं, कोई अपनी तरफ से उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। तो एक मंझा हुआ पॉलिटिशियन की तरह ही उसको समझ लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी हमेशा तारीफ करते रहे, पद्म विभूषण भी दिया है उनको, तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए, क्या ये गेम प्लान जिसका जिक्र राजा शर्मा कर रहे हैं कि शरद पवार की मौन स्वीकृति, क्या ये मौन स्वीकृति चुनाव के पहले शुरू हुई थी अपने लोग वहां देने की? मुझे हमेशा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में तकरीबन 22% मराठा वोट है, तो वो जो चीज है उसके लीडर शरद पवार है। तो शरद पवार को तो एक तरफ डैमेज करना और शरद पवार की दूसरी तरफ तारीफ करना, ये मोदी जी और अमित शाह जी का एक अपना प्लान था। इसमें पूरा धर्म संकट प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार का है सर, मानिए आप, और ये धर्म संकट एजेंसियों की जांच चल रही है, बड़ा कारण रूप में सामने आएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये एजेंसी आप किस प्रकार एक्शन लेती है इनके ऊपर, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद या सरकार का हिस्सेदार बनने के बाद, या खामोशी में चली जाती है। ये जांच आप और हमको दोनों को देखना पड़ेगी, तब उसकी लाइन ऑफ एक्शन तय होगा। स्लो हो जाएगा मोदी जी की बात, राजा भैया ये सब स्लो हो जाएगा। स्लो होना मतलब क्या, स्लो हो जाएगा ये सब। बीजेपी सत्ता में नहीं आई है क्लियरिटी के साथ, है ना, मेजोरिटी के साथ, तो उसका रीजन क्या है? उसकी सीटें कम हुई, तो उसमें एकमात्र रीजन जो है वो एनसीपी दिख रहा है। एनसीपी ने उनको बहुत डैमेज किया, लेकिन मैं जो कह रहा था कि जो चुनाव के पहले बहुत सारे विश्वसनीय लोग, उदयनराज भोसले जो बिल्कुल शरद पवार के बहुत नजदीकी माने जाते थे, वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, तो वही बात, क्या मौन स्वीकृति थी शरद पवार की, क्या गेम? क्योंकि शरद पवार की आप देखिए, जब शिवसेना और बीजेपी का चुनाव के पहले गठजोड़ में दरारें पड़ रही थी, मिलना जुलना नहीं हो रहा था, उस समय कहीं ना कहीं एनसीपी और बीजेपी नजदीक आती हुई दिखाई दे रही थी। नहीं, एनसीपी और बीजेपी नज़दीक आती नहीं दिखाई दे रही थी पूरे चुनाव में, और ये तो झटका था। वो चाह रहे थे कि बीजेपी तो चाहती थी कि कैसे भी करके शरद पवार और उसकी पार्टी जो है वो रूट से उसको साफ कर दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वो था।
शिवसेना उनके लिए खतरा नहीं था, खतरा एनसीपी थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस विचारोत्तेजक चर्चा के लिए, और 30 तारीख तक हम लगातार इस विषय पर निगाह बनाए रखेंगे। आप जानते हैं कि 30 तारीख को भाजपा और अजीत दादा की सरकार को अपना बहुमत साबित करना है, हालांकि हमारे एक मेहमान का कहना है कि बहुमत साबित करना बहुत मुश्किल होगा, और दूसरी तरफ हमारे मेहमान का ये कहना है, एक मेहमान का, कि इस पूरे गेम का अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो शरद पवार है। आप भी नज़र रखिए, हम आपको पल पल की खबर बताएंगे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार, थैंक यू।